हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और बस मैंने सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ अविष्का के लिए कद्दू की सब्जी और सिवैयाँ और पूड़ी मैं बनाऊँगी, क्योंकि अविष्का को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और कद्दू की पूड़ी के साथ अगर सेवैयाँ या कुछ मीठा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर उसकी पूड़ियाँ तैयार कर दी हैं और वो हमेशा जो है कद्दू की सब्जी के साथ उसे पूड़ी बहुत पसंद है, तो हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ। और मैं साथ ही साथ उसका कर देती हूँ टिफ़िन पैक। और जब भी वो कहती है कि स्कूल जाऊँ तो मम्मी अच्छे से अच्छा खाना रखना, तो मुझे सुबह उठना पड़ता है काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, ताकि मैं ये सारे जो है टिफ़िन उसका अच्छे से अच्छा तैयार कर सकूँ। क्योंकि बच्चों को भी होता है ना, जब अच्छा टिफ़िन दिखता है तो ही वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अविष्का हो गई रेडी स्कूल के लिए, बटर लेकर के जाओ। मास्क लो, मास्क है तो बस, चम्मच, एवरीथिंग। चलो बाय 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 बाय। बाय, लव यू। पानी की बोतल ले लिया? ठीक है ठीक है ठीक। बाय 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 मम्मा, बाय, गॉड ब्लेस यू, ब्रेक लेग। हेलो एवरीबॉडी, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आपको बताऊँ, मैं सुबह सुबह आ गई हूँ छत पर, और बस अविष्का को भेजने के बाद मेरा यही टाइम होता है जब मैं छत पर आ जाती हूँ। और छत पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक ऐसा फूल जो है मेरी मम्मी के, मतलब मेरी मम्मी चली गई हैं और उनके मरने के बाद मुझे उनकी याद बहुत दिलाता है। और ये मेरे मतलब जो पौधा, मैं ये जिस जो फूल को मैं दिखाऊंगी, ये 1 साल बाद यानी मेरी मम्मी की पुण्यतिथि यानी 1 साल के बाद इसका फूल खिला है। और हो सकता है कि कहते हैं ना मम्मी, हो सकता है कि आशीर्वाद दे रही हूँ इस फूल के जरिए मुझे। और 1 साल बाद मैंने 1 साल तक इस पौधे को सजोया है, उसके बाद इसे इसका फूल खिला है। और ये मैं मायके से ही लेकर आई थी, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने अपने भाई से, जैसे भाई होते हैं ना, कहते हैं कि भाई ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मेरे मुझे पौधे चाहिए, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत प्यार। तो मैंने अपने भाई से कुछ पौधे लेकर आई थी और उन पौधों में से सबसे प्यारा ये पौधा था जिसमें से फूल निकला है पूरे 1 साल बाद। तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे मायके की हर एक चीज़ प्यारी होती है, वैसे ही मुझे ये पौधा और इसे इसका फूल मुझे बहुत प्यारा है। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि किस फूल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये है वो फूल जिस फूल ये फूल खिला हुआ है, और ये ग्लैडलस की वैरायटी है, और कितना प्यारा फूल है। और 2 फूल इसमें खिले हुए हैं, और इसके साथ में इसमें बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, और ये कलियाँ भी खुल जानी हैं, खिल जाएंगी। तो ये मेरे मायके का फ्लावर है जो मुझे अपने जान से भी प्यारा है। और ये पौधा देखिए मैंने इस गमले में लगा रखा है, और ये इस फूल की है खूबसूरती। तो ये फूल मुझे जो है अपनी जान से प्यारा है, क्योंकि ये मेरे ही मायके का ही लगाया हुआ पौधा, जिसमें बहुत दिनों बाद यानी पूरे 1 साल बाद 17 मई, मतलब 17 अप्रैल को मेरी माँ जो है उनकी डेथ हुई थी, और 17 अप्रैल के बाद ये 2021 के बाद 2022 में ये फूल खिला है, जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और ऐसा लग रहा है कि माँ ही है कह रही है कि मैं तुम्हारे घर खिल चुकी हूँ। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इस फूल को देखकर। ऐसे बहुत सारी बर्ड्स आ गई हैं, तो रियल मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, शायद मैं ही महसूस करती हूँ इस खुशी को केवल। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाऊंगी आज मैं पनीर, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा पनीर है। और बहुत सारा पनीर कहाँ से आया मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पनीर दिख रहा है आपको, ये 2 किलो दूध का है, और बड़ी महंगी सब्जी बनने वाली है हमारे घर में, क्योंकि ऐसे तो मैं अगर खरीदूँ पनीर तो मुझे ठीक पड़ता है, पर 2 किलो दूध फट गया था, और क्यों पता नहीं क्या रीज़न था ये फट गया था। तो मैंने इन सब का बना लिया है पनीर, और पनीर की इस सब्जी ही मैं बना देती हूँ। तो मेरी सब्जी हो गई रेडी, और आज मुझे खाना थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि मुझे शाम को जो है जाना है, किसी के यहाँ फंक्शन है। तो कुछ प्रोग्राम जो है मोहल्ले में अक्सर होते रहते हैं, कभी कीर्तन है, तो आज है कीर्तन और सुंदरकांड। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, और लंच बनाने के बाद जल्दी लंच कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे उनके घर में जाना है, और उन 3 दिन का प्रोग्राम है, तो लगातार 3 दिन ही जाना है मुझे। तो मेरी सब्जी, चावल और चपाती जो है वो बन गई हैं। तो बस मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार हो गई इसलिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि हमारे जो मतलब एक है नेबर्स हैं, नेबर्स के यहाँ से कार्ड आया है, और उनके यहाँ जनेऊ, और जनेऊ के साथ साथ उनके पास और उनके यहाँ और भी फंक्शन है, लाइक सुंदर कांड है, कीर्तन है, गीत है,
और बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर वो मतलब कार्ड जो है वो 19 से लेकर के 21 तक जो है पूरा पूरा पैक्ड है। तो मैं तैयार हो गई कि उनके जाना भी है मुझे सुंदरकांड में, तो तैयार हो लेती हूँ। और साथ पे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भी डाली हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों का है कि आप मैम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप साड़ी में रील्स डाला करिए। तो मुझे भी साड़ी पसंद है इसलिए मैंने साड़ी में रील्स डाली है। तो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, सेम नेम है, बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग के नाम से ही है वो भी। तो और उसके साथ साथ जो है अभी तो मुझे छत में काम है, मैं जा रही हूँ छत पे जो है मुझे पौधों में पानी डालना है, और एक चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए क्योंकि अविष्का उठ चुकी है, अविष्का को दूध देना है, और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर तो उनके लिए चाय बनानी नहीं है, जब वो आएंगे तब चाय बना देंगे उनके लिए। तो बस चलते हैं ऊपर और अपना काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, तभी मैं जा पाऊंगी क्योंकि 7 बजे का इन्विटेशन है, तो मुझे 7 बजे वहां पर जाना है। तो कर लेती हूँ फटाफट काम और फिर मिलती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, गॉड ये उम्मीद वर्ड फिर से आ गया। आप सोच रहे हैं कि उम्मीद पे क्यों रुक गई मैं? तो मैं इसलिए रुक गई क्योंकि आपको पता हूँ उम्मीद वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से, मतलब ये एक उर्दू वर्ड है और जिसकी इस उर्दू वर्ड की वजह से मुझे किसी ने जो है ऑब्जेक्शन किया कि मैं हिंदू और ब्राह्मण होते हुए उर्दू वर्ड का क्यों इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि इसका क्या कारण है। दूसरी चीज़ की पहली चीज़ तो ये उर्दू वर्ड जो है मेरे ब्लड में ही है, और ब्लड में है, ब्राह्मण हूँ तब भी ब्लड में कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, और ये उर्दू शब्द रियल में बहुत ज़्यादा है मेरे लैंग्वेज में। तो मेरी जो मैं जो बोलती हूँ वो हिंदू हिंदी इंग्लिश और उर्दू मिक्स होती है, और उर्दू काफ़ी होती है मेरे शब्दों में। मुझे खुद भी नहीं पता था, जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो उर्दू शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, तो मैं सोचती थी ये उर्दू शब्द उसके पास कहाँ से आते हैं और इतने सारे वर्ड कैसे बोलती है, क्योंकि वो जो है चुप रहो नहीं बोलती थी, वो बोलती थी मम्मा खामोश हो जाइए। तो मैं सोचती थी खामोश वर्ड कहाँ से ये वर्ड यूज़ करती है, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ही ज़्यादा इतनी उर्दू बोलती हूँ, किसने मुझसे सीख लिया है। जबकि मेरे पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं, वो खुद इतनी हिंदी अच्छी बोलते हैं कि वो उर्दू शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोग बात करते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि वो मतलब मुस्लिम है, वो पूरा हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो लोग काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दिल्ली में रह रहे हैं। तो मैं सोचने लगी कि मैं इतना उर्दू वर्ड अविष्का को कहाँ से आने लगा, क्योंकि अविष्का बहुत सारे उर्दू वर्ड का इस्तेमाल करती है और मैं खुद भी उर्दू वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। और ये मुझे रियलाइज हुआ जब किसी ने इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट किया जिसमें मैंने लिखा था कि होली मुबारक हो, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, फिर आप मुबारक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। तो मैं तो पहले समझ में नहीं आई कि मुबारक शब्द में प्रॉब्लम क्या है, फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ मुझे लिखना चाहिए था कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर बाद में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बताओ ये मुबारक में क्या प्रॉब्लम हो गई, तो बोले वो मुबारक उर्दू वर्ड है, तुमने उर्दू लिख दिया इसलिए उनको ऑब्जेक्शन है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा रीज़न क्या है। मैं हूँ एक्चुअली लखनऊ से, और लखनऊ में जो है वो एक नवाबों का शहर माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, और वहाँ पर पुराने समय से ही बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, और कहते हैं नवाब रहते थे वहाँ पर, और वहाँ उर्दू बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ की जाती है। तो जो लखनऊ का जो बोली है, लखनऊ की जो बोली है वो उर्दू और हिंदी मिक्स है। तो हिंदी के साथ साथ वो लोग उर्दू वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि मेरी पैदाइश वहीं की है, मैं वहीं पैदा हुई, मेरे पापा वहीं के हैं, मेरे मम्मी वहीं के थे, तो हम उर्दू शब्दों का इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो अब मैंने ध्यान दिया। और शायद इस व्लॉग को देखने के बाद मेरी बहनें भी ध्यान देंगी कि वो भी उर्दू शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो अब देखिए इस्तेमाल निकल रहा है, मेरा प्रयोग नहीं निकलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं बोलते बोलते बोल जाती हूँ, और मैं अक्सर मेरे वीलॉग में बोलती हूँ कि उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो ये इसीलिए ये वर्ड निकलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि अगर मेरे मुंह से उर्दू शब्द निकलते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमें वहीं का कल्चर अडॉप्ट कर लेना होता है। और मेरे गली में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और जो काफ़ी हिंदू के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको अपने मजहब से प्यार नहीं है। अब देखिए मजहब निकल रहा है, अपने मजहब से सबको प्यार होता है, मुझे भी अपने मजहब से प्यार है, और ऐसा नहीं जो मुस्लिम है उनको भी अपने मजहब से प्यार है, और वो उसके साथ साथ जैसे कि हमारे पड़ोस में रहते हैं तो वो भी हिंदू सारे फेस्टिवल मनाते हैं, और हम रहते हैं तो हम भी खुश होते हैं उनके मतलब ईद में और रमज़ान में खुश होते हैं। तो कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
तो ये बातें तो होनी चाहिए। और ऐसे ही क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग हैं, तो किसी धर्म और जाति के लोग या किसी उस भाषा पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता था कि बहुत ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं तो खुश होती हूँ ईद पर भी और खुश होती हूँ दिवाली पर भी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है हम ईद सेलिब्रेट नहीं करते, पर क्या हुआ, फेस्टिवल तो सभी का एक जैसा होता है, तो मैं भी खुश हो लेती हूँ। और मैं, मुझे पसंद भी है उनकी सेवइयाँ, बहुत पसंद है, मैं सेवइयाँ खाती भी हूँ, और कभी कभी तो मैं तो मांग मांग के खाती हूँ कि नहीं भाई मुझे भाभी सेवइयाँ दे दीजिएगा, मतलब मैं उनको भाभी बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तो इस तरह से मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्शन होना चाहिए था मेरा शब्दों में उर्दू में, क्यों तो मुझे भाई अगर आप लोग को ऑब्जेक्शन हो कि मैं उर्दू बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, पर हाँ मेरे शब्दों में उर्दू आएगा क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ और नवाबों के शहर की हूँ, तो वहाँ पर उर्दू शब्द का इस्तेमाल हिंदी के साथ होता होता है। तो और मैं धर्म और जाति में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि देखिए आपका धर्म आपकी जगह है और दूसरों का धर्म दूसरों की उन्हीं की जगह पर है, तो जो जिस धर्म का है उस धर्म के हिसाब से चल लेता है, और जो जहाँ रहता है वो उसकी थोड़ी थोड़ी बोली अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और जो लोग जो है बिहार से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं, कुछ लोग कहीं मेरठ से हैं, हर जगह के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा है, फिर भी वो यहाँ की भाषा अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे कि तू क्या कर रही है ये वो अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, पर यह है कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल की भाषा का असर हमारे पे होता ही है, और ये असर मेरी बेटी पर भी है क्योंकि वो हमारे साथ ज़्यादा रहती है तो वो दिलाइट कम और उर्दू ज़्यादा बोलती है, तो उसके साथ भी ये असर है। तो मुझे नहीं लगता है इस पर कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन तो भाई सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये मेरे ब्लड में आ चुका है। तो बस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि मैं भी कल सुंदरकांड में गई थी। देखिए मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, मैं पक्की ब्राह्मण हूँ, और सुंदरकांड में गई थी कल, और सुंदरकांड में वहाँ पर भी मतलब पूजा थी, और मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत, मतलब सुंदरकांड का जो होता है पाठ ना पूरा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं जाती हूँ जरूर पढ़ती हूँ। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ और आप लोग को नमस्कार करती हूँ। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और भाषाओं पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि भाषा का मतलब नहीं होता है, ये दिलों से दिल का रिश्ता होता है जो जोड़ता है, भाषाएं नहीं जोड़ती, ये तो हम इंसान हैं एक दूसरे को इस तरह से जोड़ लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।